भौंजरिया महोत्सव, कुश्ती माटी का खेल, इसका संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी। सूर्य प्रताप शाही। पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के भौंजरिया बाजार में भौंजरिया महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहलवानों के अपने दांव पेंच ने खेल प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। दंगल का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पड़गावना के पहलवान बचन और गोरखपुर के अमित का हाथ मिलवाकर किया। मुकाबले में पहलवान बचन ने पहलवान अमित को चंदे केन में आसमान दिखा दिया। वहीं भौंजरिया महोत्सव को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कुश्ती माटी का खेल है, इस खेल को संजोए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। भौंजरिया महोत्सव कुश्ती के खेल को संरक्षण प्रदान करने वाला एक प्रमुख मंच है, इसके लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। कुश्ती प्रतियोगिता में गोरखपुर के विकास ने बघा के धनंजय को पटखनी दी। पडरौना के छोटे ने देवरिया के टुनटुन को आसमान दिखाया। हनुमानगंज के प्रिंस ने हाटा के हरिकेश को, हनुमानगंज के नमो नारायण ने कोहवलिया के भोला को आसमान दिखाया। पडरौना के रामदेव ने गोरखपुर के विकास को, हनुमानगंज के मनीष ने कोहवलिया के सनी को तटखनी दी। वहीं पडरौना के रामदेव व बघा के राजेश, हनुमानगंज के गंभीर और गोरखपुर के अंकित के बीच कुश्ती बराबरी पर छूटी। विशिष्ट अतिथि शशांक मणि त्रिपाठी ने आयोजक मंडल की सराहना की। प्रधान अबुल सलाम, भोला सिंह, अजमुला, दिलीप गुप्ता, अच्छे लाल भारती, प्रताप सिंह आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। संचालन राघव पांडे व मान सिंह ने किया। इस दौरान हजारों की संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे।